राग द्वेष कोई से नहीं समदर्शी संसार। लेकिन मन स्थित होने दे तब ना, जिससे हम घृणा करते हैं उसमें भी है, वो हमारे भीतर भी है। तो दुखियों के प्रति करुणा का भाव हो, घृणा पाप से, निंदित कर्मों से, घृणित कर्मों से घृणा, पापी से नहीं, क्योंकि उसके भीतर भी है, जो हमारे भीतर है, जो हम हैं वो भी वही है। अंतःकरण की जो स्थिति हो, उसके मन बुद्धि चित्त की जैसी भी स्थिति बन गई हो, घृणा रखने से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते। अपने को ही दूसरे में देखता है, सब में अपने को देखता है। कितनी सृष्टि स्थिति है, अपने को ही सब में देख रहा है, है? कितनी सृष्टि स्थिति है, किससे घृणा करेगा? वो स्वयं को ही सब में देख रहा है। सर्वभूतेषु चात्मानं, इसलिए घृणा नहीं कर सकता वो, ये सब में अपने को ही देख रहा है। जो आत्मा हमारे अंदर है, जिससे शरीर संचालित है, अनंत आत्माएं हैं, सब ईश्वर के जीव हैं, ईश्वर ने सबको प्रसाद दिया है, यह दिव्य भाव करुणा भाव उसके अंदर रहता है। उपेक्षा कुछ सीमा तक कर सकता है, ऐसी कभी प्रकट परिस्थिति आई, आपद धर्म में कुछ मन है, चलो भाई क्योंकि इसके भी चित्त की वह स्थिति नहीं है। तो कई बार श्रेष्ठ संगति के लिए ऐसे बहुत अशुद्ध अंतःकरण वाले की उपेक्षा करनी होती है, घृणा उससे भी नहीं, उपेक्षा करते नमस्ते नमस्ते हम खत्म, घृणा उससे भी नहीं, दूरी बना के रखना है थोड़ा सा, क्योंकि इसका सहज मार्ग बाधित ना हो, इसका लक्ष्य बाधित ना हो। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, योगी के ये चार चार हैं लोक व्यवहार। अधिक मामला बहुत विशेष भयंकर है तो उपेक्षा कर देगा वो, घृणा उससे भी नहीं, द्वेष उससे भी नहीं। करुणा सबके प्रति, सबके कल्याण की कामना ही करेगा, सुख शांति सबको मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबको सद्बुद्धि की ही कामना करे। सबके अंतःकरण की शुद्धि की ही कामना करेगा, क्योंकि उसका अंतःकरण करुणा के भाव से लबालब भरा हुआ है।
मुदिता के भाव से, मैत्री के भाव से भरा हुआ है। तो गांठ बांध के नहीं बैठा है, क्षमाशीलता की सहज शक्ति का विकास है। स्तुति हो गई तो क्षमा मांग ली, मानसिक रूप से ही क्षमा कर दिया, बात खत्म। मन में उन्हीं भावों और विचारों के साथ ऐसे घूमते रहना, घूमता इसी में हिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। वैरत्यागः, कोई बात को लेकर गांठ बांध के नहीं रह सकते। अहिंसा में जो प्रतिष्ठित हो गया, वैर्य का सर्वथा अभाव हो गया। और योग यात्रा की यह प्रारंभिक श्रेणी है। मन वचन कर्म से कैसे योगी अहिंसक हो जाता है। केवल वाणी से ही अहिंसक नहीं है, कर्म से ही अहिंसक नहीं है, मन से भी। कितनी उच्च स्थिति है। वाणी में हिंसा नहीं है, कर्म में नहीं है, मन में आ जाता है। आ जाता है बहुत बार भाव हिंसा के, विचार आ जाते हैं किसी के प्रति जिससे हम घृणा करते हैं। हमारी कामनाओं की प्राप्ति में जो बाधा उत्पन्न हो जाती है, चाहे तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते, कामात क्रोधो भी जायते। विषयों का चिंतन करते करते रहने से आसक्ति होती है, उनमें काम उत्पन्न होता है। संसार के समस्त विषय काम रूप है। संसार की जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं, सब काम, मतलब काम है। उनकी प्राप्ति हो रही है तब सुख का अनुभव हो रहा है, और उनकी प्राप्ति में बाधा हुई, उन सुखों की प्राप्ति में बाधा हुई, तब क्या होगा? क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। कामात क्रोधो भी जायते। गीता में योगी राज कहते हैं युद्ध भूमि में अर्जुन को कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है अर्जुन, क्योंकि काम ना पूर्ति में जब बाधा उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्रोध से मोह उत्पन्न हो जाता है, फिर स्मृति भ्रम हो जाता है, विभ्रम, और स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अपनी स्थिति से गिर जाता है, अपनी स्थिति से वो गिर जाता है। प्रारंभ कहां से हुआ था? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो विजायते। चिंतन तो वही है, संसार के विषयों का, भोगों का, पदार्थों का, संबंधों का, आसक्ति रहित चिंतन, आसक्ति युक्त चिंतन है। रहित तो है नहीं चिंतन, और चिंतन है तो आसक्ति है। कामनाएं उत्पन्न है, और कामना की प्राप्ति में बाधा हुई तो क्रोध कैसे उत्पन्न होता है?
फिर मोह मूढ़ता, स्मृति नष्ट, बुद्धि नाश, और अपनी स्थिति से ही गिर जाना। तो बाहर की परिस्थितियां हमें अपने आंतरिक स्वरूप से दूर ना ले जाए। जो भीतर से मजबूत है, जिसकी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ है, वो बाहर की परिस्थितियों से नहीं घबराता। आत्मबल है, आत्मबल। बाहर की उठापटक तो चल ही रही है, चलती रहेगी। ये युद्ध तो चल रहा है, कब बंद था और कब बंद होगा, कुछ न कुछ लगा है, चलता रहेगा। ऊपर नीचे हो रहा है। हम अपनी आंतरिक स्थिति से कैसे भिन्न हो गए, हम अपने लक्ष्य से कैसे दूर हो गए, हमारा चिंतन केवल वही है क्या? आंतरिक शक्तियों का विकास ना होने से बाहर थोड़ा भी उठापटक होता है तो भीतर तो पूरा भूकंप आ जाएगा। बाहर थोड़ा भी हिलेगा तो इधर पूरा हिल जाएगा, हड़कंप आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, क्योंकि बाहर ही पूरी स्थिति है उसकी। स्वयं में कोई स्थिति नहीं है, आंतरिक स्थिति नहीं, संसार में ही पूरी स्थिति है। जिसकी आंतरिक शक्तियों का विकास है, बाहर की उठापटक तो हो रही है, इस उठापटक में भी स्थिर है, देख रहा है सबको साक्षी भाव से। इतनी शक्तियों वाला है योगी साधक, बाहर की उठापटक को देख रहा है, सुख को भी देख रहा है, दुख को भी देख रहा है, सब घटनाओं को देख रहा है, देखता जा रहा है। और कैसे उससे असंग है वो, रहते हुए कैसे भिन्न है वो, मन में विक्षोभ नहीं उसके, योग की कैसी स्थिति है यह, तो वो जानता है संसार के समस्त विषय दुख रूप हैं। छलनी में गायों का दूध इकट्ठा नहीं किया जा सकता। सब गाय का दूध दूह लें, छलनी में दूह लो, दूध इकट्ठा नहीं किया जा सकता। छलनी खाली की खाली, मन को संसार के विषय भोगों से तृप्त नहीं किया जा सकता, मन को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, मन को तृप्त नहीं किया जा सकता। इतना निकम्मा है ये, और चाहिए और ऐसा, और मिलन मन माए, ये कामनाएं, ये वासनाएं, ये इच्छाएं, मन माया मरती नहीं वासना ना, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। छलनी में गाय का दूध कोई इकट्ठा करेगा? छलनी खाली की खाली रहेगी, सब गाय का दूध दूह लो इसी में, मन को संसार के भोगों से, संसार के विषयों से, संसार के पदार्थों से, संसार के संबंधों से तृप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रकाश में सब वस्तुएं दिख जाती हैं, सूर्य के प्रकाश में सब दिख रहा है, अंधेरे में दिखता है? जहां अंधेरा है वहां भय है, वहां भ्रांति है, वहां संशय है।
सांप है कि रस्सी है कुछ पता नहीं, अंधेरा यही करता है, अंधेरा यही करता है। संशय में, भ्रम में, डर में ढकेल देता है, अंधेरा यही करता है, अंधेरा वही है जहां प्रकाश नहीं है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, अंधेरा और कुछ नहीं। अंधेरा मतलब कुछ नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। प्रकाश है तब अंधेरा रहेगा? बिल्कुल नहीं, रह नहीं सकता वहां। वो वहीं रहेगा जहां प्रकाश नहीं, वही जगह बना लेता है। सूर्यदेव अस्ताचल गामी हो रहे हैं, अंधेरा छाने लगा। छाने लगा, प्रकाश का अभाव होता जा रहा है तो अंधेरा छाने लग रहा है। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, अंधेरा कुछ नहीं, स्वयं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर परम प्रकाश स्वरूप है, यज्ञ रूप प्रभो हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए। यज्ञ रूप परमात्मा है, अग्नि रूप परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अनंत प्रकाश है। हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, उस परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसा परम प्रकाश है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां इसी प्रकाश में गतिमान है और सबको उसने धारण किया हुआ है, एक साधक निरंतर इसी प्रकाश में गतिमान है। शक्ति मिल रही है ना ऊर्जा अग्नि से, अग्नि अपने जैसा बना लेती है। हम आहुति डालते हैं, आहुति अग्निदेव को समर्पित करते हैं, अग्निदेव अपने जैसा बनाकर उसका विस्तार कर देते हैं, नष्ट होती है क्या आहुति। अग्निदेव अग्नि अपने जैसा बना लेती है। जो प्रकाश में है, केवल खुद प्रकाश में है, अरे उसकी किरणें सबको प्रकाशित करने लगती हैं। अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना, ऊर्जा देना, शक्ति देना, पवित्र करना, अशुद्धि का क्षय करना, मलों को नष्ट करना, शुद्ध करते रहना, संस्कारित करते रहना, पवित्र करते रहना, पावन बनाते रहना, मलों का क्षय करते रहना, मलों का क्षय करते रहना, स्वच्छता अभियान चलाए रखना, ऊर्जा देते रहना, शक्ति देते रहना। पवित्र बनाए रखना, तो अग्नि यही कार्य करती है। ब्रह्म विद्या की है अग्नि है, स्वर्वेद का यह प्रकाश है जो हमें पवित्र बनाता है, लक्ष्य से जोड़े रखता है, अंतःकरण को शुद्ध रखता है। इतनी शक्ति, इतना प्रकाश, इतना अनुभव देता है।